हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेड बटर एंड टी। गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक टू देवमिता व्लॉग्स। आप लोगों का सभी का स्वागत है इन द फोर्थ डे इन गोवा विद अस। हम लोग का कुछ भी प्लान नहीं है आज का दिन का। आप लोग पूरा एक्सपीरियंस करोगे हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, आप लोग देख ही चुके हो। एंड मेरा आज आउटफिट ऑफ द डे है दिस लॉन्ग फ्रॉक एंड माय हस्बैंड्स आउटफिट इज दिस व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक जीन्स एंड माय हस्बैंड्स शू एंड माय आउटफिट इज ट्विनिंग। चलिए फिर दिन का शुरुआत करते हैं, पहले निकलते हैं होटल से, फिर आप लोग देख सकोगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डे। ये कोने में बैठ के यहाँ पे बालों को ये क्या स्ट्रेट कर रही है क्या? थोड़ा सेट कर ले, शैम्पू लिया है। ओके, सज धज के चले। आज कहाँ जाना है? बाद में जाके आपको पता चलेगा। सस्पेंस, हमेशा सस्पेंस रहेगा। हम लोग का सस्पेंस चैनल है। हम लोग का खुद भी सस्पेंस है आज। हमको खुद को भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। प्लानिंग है लेकिन वो होगा कि नहीं पता, इसलिए मतलब पता नहीं जाएंगे कि नहीं वहाँ पे। पंजी जाने वाला रोड है, हम लोग नहीं जा रहे हैं पंजी, लेकिन उस तरफ ही जा रहे हैं। कितना ज्यादा ट्रैफिक है, अभी तो जस्ट ट्रैफिक क्रॉस करके आ रहे हैं हम। हम लोग अभी ओल्ड गोवा पहुंच चुके हैं, ओल्ड गोवा में घुस गए हैं अभी। अभी ओल्ड गोवा मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे मंडोवी रिवर है और हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं सीधा एक जगह पे, दिखाएंगे। रुको, तो हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। एकदम इतना बहुत दूर था, ऑलमोस्ट 45 मिनट जैसा लगा होटल से। इतना देर से जो हम लोग बोल रहे थे कहाँ जा रहे हैं, ये है बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। ये साउथ गोवा में है और यहाँ पे भीड़ देख सकते। ये जो क्यू देख ले हो तुम लोग, ये क्यू सीधा एकदम एंट्रेंस तक गया है। इतना लंबा क्यू है तो इसमें खड़े रहने से तो हम लोग का शाम हो जाएगा। तो अभी हम लोग वही सोच रहे हैं कि घुसे कि नहीं घुसे, बहुत डायलेमा में है अभी। ये वाला चर्च में घुसते हैं अच्छे से। हाँ, ये इस वाला में घुसेंगे हम लोग, बिकॉज दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बहुत कुछ है, वो उधर में जो है वो हम लोग अगर टाइम मिलता है तो हम लोग कवर करेंगे उसको। ये लाइन के झंझट से एकदम दूर अकेले में यहाँ पे बैठी हुई, अल्टीमेटली लाइन में खड़े हो उसे भी आना पड़ा लाइन में। मैं चली गई थी उधर बैठने के लिए, फिर मैं आ गई। अभी यहाँ पे छाव है, छाव में ठीक हूँ मैं। लेकिन जब धूप होता है ना, मतलब मेरा हाथ देख सकते हो आप लोग। नार लगन जाने के बाद आप लोग देखोगे हाथ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ, पहचानना पड़ेगा हमें। फाइनली हम लोग पहुँच गए एंट्रेंस की तरफ। हम लोग यहाँ से घुस ही रहे थे, ये वाला लाइन से घुस रहे थे। ये है देवर्षि। यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिला, देयर इज प्रोहिबिटेड टू टेक सेल्फी, नो फोटोज, नो ग्रुप फोटोज, नो हैट्स, नो कैप्स। तो हमें लग रहा है यहाँ पे वीडियो भी हम लोग नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, घुस के आते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। अगर ले सकेंगे तो ले लेंगे। यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होता है रात को। हम लोग अभी फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। जाने के समय तो बहुत कुछ लिखा था बाहर, दैट प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड वीडियोस एंड ऑल प्रोहिबिटेड, बट अंदर जाके देखा सभी मोबाइल निकल के कुछ ना कुछ उठा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उठाए। एनीवेज, अभी हम लोग बेसिलिका बोम जीसस से हम लोग जा रहे हैं उसमें। तो हम लोग और ये चर्च में नहीं घुस रहे हैं अभी, म्यूजियम भी है यहाँ पे, एक म्यूजियम भी है, तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरा कहीं और जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं पणजी, कैपिटल ऑफ गोवा। घुसे नहीं है अभी तक, घुसेंगे। यहाँ पे सब रिवर क्रूज है। हाँ, यहाँ पे सब रिवर क्रूज खड़े हैं।
तो हम लोग अभी आए हैं एक बीच पे, मीरामार बीच। तो ये देख लेते हैं पहले। इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। यहाँ पे ये जितने भी प्लांटेशन किया हुआ है, जस्ट अमेजिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन गोवा। बहुत में क्राउड भी कम है, बहुत मजा आ रहा है। इतना साफ सुथरा है, सच में साफ सुथरा। सिंगल टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बेहतरीन है। कल का सेंटोरिन बीच का मजा अलग था, इसका मजा बिल्कुल अलग है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फाइनली अभी मीरामार बीच से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे नॉर्थ गोवा। यहाँ पे बहुत मजा आया, बहुत साफ सुथरा बीच है गाइस। कोई अगर आना चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। गर्मी में घूमते घूमते हम लोगों को नारियल पानी पीने का मन किया। यहाँ पे बहुत डिहाइड्रेशन होते हैं हम लोग। कितना जो पानी पी रहे हैं ना, यहाँ पे देवर्षि प्राइस पूछ रहे बीच रास्ते में रुक के। ये नारियल पानी जो हम लोगों को मतलब हाइड्रेट कर रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून मिल रहा है। कैसा है? अभी हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं फॉर आवर लंच। ये वाला रेस्टोरेंट में हम लोग अभी खाएंगे, नाम है सुआ कासा फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द रेस्टोरेंट। बाहर भी है सीट्स। क्या बाहर बैठोगे क्या? तो हम लोगों ने पूरा सी फूड प्लेटर ऑर्डर किया है, उसने लिया है प्रॉन थाली, जो सी प्रॉन्स है वो प्रॉन थाली, और मैंने लिया एक चनक थाली जो कि एक फिश होता है, तो मैकरेल जैसे होता है, उसका एक स्लाइस रहता है मतलब। तो वो सी फिश मैंने लिया है, उसका एक थाली लिया। बाकी आइटम्स रहेगा उसमें, बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या रहेगा, देखते हैं। और ये रेस्टोरेंट का वाइब कुछ अलग है ना, ऊपर से गाड़ी जा रहा है। मैंने ये पहले ही ऑर्डर कर दिया, अभी यहाँ पे ये रहेगा। जब तक खाना आ जाएगा तब तक ये भी गर्म हो जाएगा, मुझे रूम टेम्परेचर चाहिए था। गाड़ी तो ऊपर चल रही थी लेकिन हमें यहाँ पे पसंद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। गर्म हो रही है, हम लोग को बहुत ज्यादा गर्म लग रही है। काम नहीं कर रहा तो हम लोग एसी सेक्शन में जा रहे हैं। उसको मतलब क्या जो हो रहा है आज, एसी में घुसे थे, रेस्टोरेंट के अंदर घुसे थे, इतने ज्यादा एसी चल रहे वहाँ पे। हम लोग मतलब ऑब्वियसली पसीना पसीना हो रखा है और मेरा तो गला भी गले भी खराश है, तो उतना हिम्मत नहीं दिया एसी में जाके बैठेंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा फैमिलीज भी हैं, हम लोग के लिए एसी तो घटाएगा नहीं, वो लोग कम तो नहीं करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा भी नहीं। तो इसलिए हम लोग और एक सेक्शन में आए हैं, यही रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हम लोग पहले थे, वो वाला जगह में हम लोग पहले थे। खुला खुला एक जगह है और ऊपर अच्छे से फैन चल रहा है दोनों के माथे के ऊपर। हम लोग का थाली आ गया है, तो ये है सुमी का प्रॉन्स थाली, और मेरा है ये चनक फिश। यहाँ पे भी सेम आइटम्स है। कैसा है? मस्त, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो इसका प्रॉन्स थाली चलो ठीक है, अभी मैं अपना चनक थाली देखता हूँ। ये जो है ये छोटा छोटा प्रॉन्स से बनाया हुआ है, सॉरी ये वाला छोटा छोटा प्रॉन्स से बनाया हुआ है। ये वाला एक गोवन आइटम है, गोवन वेजिटेबल है ये। ये क्लैम्स है, सी क्लैम्स है ये। ये किंग फिश का करी है, किंग फिश का करी के साथ इधर ये प्रॉन ऐसा फ्रिटर्स दिया है, या मेरा वाला में ऐसे यहाँ पे जो चनक फ्राई है, और ये एक स्वीट डिश है। सी फिश का एक जो एरोमा होता है वो है, बहुत टेस्टी है। किंग फिश का करी देखता हूँ कैसे। टैंगी एंड स्पाइसी, इसमें पूरा कोकोनटी, फिर विनीगर, कुछ टैंगी इन लोगों ने डाला है, बहुत ही टेस्टी है।
भाई टोमेटो प्यूरी का भी स्मेल आ रहा है। हर एक सब्जी यहाँ पे सच में बहुत अच्छा लगा और यूनिक है। बाकी जो क्लैम्स के अलावा जो दो दिए थे ना वो तो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऑब्वियसली फिश तो अच्छा लगा ही था, लेकिन क्लैम्स मैंने थोड़ा सा खाया, टेस्टी है लेकिन बहुत लोगों को एलर्जी होता है तो हम लोग ये स्किप कर रहे हैं। ये वाला फिश है गोवा में आने के बाद, ट्रस्ट मी बहुत दिनों के बाद एक सेटिस्फैक्टरी मील, जो प्रॉपर मील होता है वो हम लोगों ने खाया। हाँ बाकी सब भी ठीक ही था लेकिन जो सेटिस्फैक्टरी जो लंच या फिर डिनर वो होता है, प्रॉपर मील वो हम लोगों ने किया। और ये गोवन डिश जो था ना रियली इट वॉज जस्ट ऑसम। अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह में, यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन जा तो रहे हैं लेकिन नहीं पता वो जगह पे जाके प्रॉपरली देख पाएंगे कि नहीं। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं पारा रोड, नाम तो नहीं सुने होंगे शायद, तो मैं अगर बोलूं डियर जिंदगी रोड, यस यहाँ से ही आलिया भट्ट एंड शाहरुख खान साइकिल चलाते हुए जा रहे थे लेकिन हमारे पास तो साइकिल है नहीं। ये रास्ते में तो शायद पहले कोई आता भी नहीं था। डियर जिंदगी का शूट जब से ये रास्ते में हुआ, माय गॉड हमेशा ये रास्ता, स्पेशली इवनिंग टाइम में ये रास्ता काफ़ी भीड़ रहता है। अभी तो थोड़ा फिर भी कम है भीड़ लेकिन रहता है, और कपल्स आते हैं, फ्रेंड्स लोग आते हैं, यहाँ पे सभी लोग फोटोज खिंचाते हैं। अभी टूरिस्ट स्पॉट हो गया ये, पहले विलेज हुआ करता था ये। और यहाँ पे गोवा में आने के बाद जो लड़कियाँ करती है ये शुरू हो गया यहाँ पे, छोटा कपड़ा दारू डिस्को आंटी आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता ये पारा यहीं पे रहते हैं? हाँ यहाँ पे रहते हैं। अच्छा पारा रोड का अभी का जो व्यू दे रहा है ना बहुत मजा आ रहा है, मतलब अभी तो सूरज भी डूब चुका है, मतलब हवा दे रहा है, बहुत मजा आ रहा है। गोवा में आने के बाद से मैं कोशिश कर रही थी ये लगाओ बीच पे तो अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन या फाइनली इन पारा रोड आई हैव डन इट। इनाडा এখানে এত মজা করছে না পারা রোডে এসে, হোল ফ্যামিলি ইজ হিয়ার, দে আর এনজয়িং দেমসেলস। থ্যাংক ইউ ফর কামিং ইন মাই ব্লগ। ভি মুজকো দেখ কে ইসকো ভি মন কিয়া ইয়ে ভি বানা রহি হ্যায়। हम लोग फाइनली इधर से निकल रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में जाने के बाद भी बहुत कुछ प्लान है। पारा रोड से आगे थे, आके पूरा थक गए, थोड़ा सा रेस्ट लिया, ज्यादा टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने और एक प्री बुकिंग करके रखा है, और एक जगह पे हम लोगों को जाना है, अभी जाएंगे हम लोग। फोन आ चुका था कुछ देर पहले, फोन आ गया था कि बस आने वाला है हम लोगों को पिकअप करने के लिए, तो हम लोग अभी जाएंगे कलंगुटे जो सर्कल है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके बस आएगी और हमें लेके जाएगी। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी, यहाँ पे ये ड्रेस पहन ही रही है, ये मेकअप कर ही रही है, तो हो ही गया ऑलमोस्ट, हम लोग अभी निकलेंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ पे वो तो आप लोग देखोगे ही, लेकिन हम लोग जाएंगे बस से, लेकिन बस तक जाने के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से स्कूटी से। हम लोग जस्ट आके पहुँचे जगह में जहाँ पे बस आने का बात था, और हम लोग आके देखा बस ऑलरेडी रुका हुआ था वहाँ पे, इतना डर चुके थे अभी छोड़ देगा। और देवोशी गया था स्कूटी वहाँ पे वो करने, पार्किंग करने, मैं क्या करूँगी सोच रही थी, मैं बस में बैठूँ या ना बैठूँ, बोलते देवोशी भी आ गया। हम लोगों को जस्ट 2 मिनट बैठना पड़ा बस में, बस स्टार्ट कर दिया। आहा हम लोग अभी क्रूज पे चढ़ेंगे, आगे हम लोग क्रूज पे। आप लोगों को कब से बोल रहे थे कहाँ पे जाएंगे, अभी नहीं बताएंगे आप लोगों को? लोगों को पता भी चल गया होगा। रात में और कहाँ जा सकते हैं, सब कुछ घूमना तो हो गया, सब कुछ आप लोग शायद देख चुके हो। एंड अभी बाकी रह गया था क्रूज, जहाँ मतलब क्रूज में हम लोगों का पहले से बुकिंग था, और होटल वालों ने हम लोगों को बुकिंग करा दिया था। एंड वो वाला क्रूज का ही वो हम लोग पहुँच गए, रिपल्स बोल के क्रूज है हम लोगों का, अभी टिकट सेक्शन में पहुँच गए हम, ऐसे हम लोग लेंगे बोर्डिंग पास, मिल गया हमें टिकट टू क्रूज, साथ में ये सब स्नैक्स वगैरह ये सब हमें, हम लोगों ने चेक नहीं किया अभी तक, चेक कर लेते हैं स्नैक्स दो। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है स्नैक्स, देन बियर भी दिया, ये तो हम लोग अवेल नहीं करेंगे, स्नैक्स का वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और साथ में ये तो मिल गया नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री है। देवोशी का आउटफिट ऑफ द डे, नॉट डे, आउटफिट ऑफ द नाइट। लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, वेटिंग स्पेस दिया हुआ है। हम लोग का क्रूज है 9:30 से, 9:30 में आएंगे क्रूज, अभी बज रहा है 9:15। यहाँ पे मैं सबको बोलना चाहती हूँ एक बात,
आप लोग जब आओगे गोवा, आप लोग जब होटल में ठहरोगे, होटल से कुछ मत करना, थ्रू होटल कुछ मत करना, हम लोग फंस चुके हैं ये करके। वो लोग बहुत मतलब कमीशन खा के बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, हम लोगों से तो पैसा लिया ठीक है, फिर यहाँ पे आके जो क्रूज का साइज देखा ना हमने, क्रूज का साइज देख के ना इससे बड़ा बोट में मैंने काम किया है मैंने काम किया। ये हम अभी घुसेंगे यहाँ से और वो रहा हम लोगों का बोट, छोटू सा एक बोट। मतलब गोवा में आके शायद अंदर जाके अच्छा ही लगेगा, बड़ा छोटा से कुछ काम नहीं होता है, क्रूज तो क्रूज ही होता है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस मैटर करेगा, अंदर जाके एक्सपीरियंस बोलेंगे कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन बोट का साइज छोटा है। बहुत लोग ऊपर जा रहे हैं, बहुत लोग नीचे रुक रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को वेलकम ड्रिंक्स दे चुके हैं वो लोग, एंड ये है वेलकम फूड, जहाँ पे है एक बर्गर, छोटू सा बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड एक कोफ्ता टाइप का एक चीज। भीड़ तो बहुत हो रहा है तो हम लोग सोच रहे ऊपर ही जाते हैं। नाउ वी आर ऑफ फॉर अ क्रूज, अभी जस्ट मतलब स्टार्ट किया है क्रूज। दुख का सवाल ये है हम लोगों को सीट नहीं मिला ऊपर में आके, हम लोग मिडिल में भटक रहे थे, मिडिल में हम लोग वेलकम ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे, ऊपर में आके देखा सब सीट अनअवेलेबल हो गया, सब सीट में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे फाइनली हम लोग को चेयर मिल चुका है, हाँ अपर डेक में बैठे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रोग्राम्स नहीं हो रहा है, मिडिल डेक एंड लोअर डेक में प्रोग्राम हो रहा है, कभी कभी जाएंगे हम लोग देखने के लिए। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ का हवा, यस सो कूल ब्रीज, ट्रू दैट, लुक एट द व्यू गाइज, लुक एट द व्यू। अभी हम लोगों को मतलब मैटर नहीं कर रहा है कैसा शीप है, मतलब बड़ा है या छोटा है, हम लोग यहाँ पे फुल टू मतलब मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बैठ के ही मज़ा आ रहा है। ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब बड़े बड़े कैसिनोज है, दीज आर बिग कैसिनोज ओवर द रिवर मंडोवी, और ये सब यहीं पे रहते हैं, ये सब मूव नहीं करते हैं, तो मतलब कनेक्टिंग बोट्स होते हैं यहाँ पे लेके आते हैं, फिर कैसिनो में आप लोग जा सकते हैं। ये जो कैसिनो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला डेल्टिन रॉयल है, एंड एज फार एज आई रिमेम्बर एंड नो दिस इज द ओल्डेस्ट कैसिनो ओवर द रिवर मंडोवी। Seriously, पहले भी क्रूज में उठे हैं लेकिन इतना बोरिंग क्रूज कहीं नहीं मिला, सच में सीरियसली बहुत ही बोरिंग लग रहा है आज एकदम। हाँ नीचे चल रहा है सब कुछ, फंक्शंस चल रहा है वहाँ पे नीचे, उसका भी एक होना चाहिए ना, एक मतलब एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए, मतलब वो कुछ नहीं है, वो हम लोग जो क्यों खुद से नहीं किया, खुद से चूज नहीं किया। आप लोग प्लीज खुद से बुकिंग करके आइएगा, नहीं तो हम लोग जैसा हालत होगा, हम लोग तो अभी नीचे जा ही नहीं रहे, ऊपर ही बैठे, ऊपर ही एंजॉय कर रहे। आ गया हमारा खाना, हमारा डिनर आ गया, दिस इज आवर डिनर, लेकिन बहुत कुछ है, क्या क्या है मैं बता, यहाँ पे दिखाओ, लेकिन सब मिक्स हो गया अभी। हाँ यहाँ पे चाउमीन दिया है, फिर यहाँ पे फ्राइड राइस है, चिकन है, पनीर है, ये चना मसाला है, अच्छा वहाँ पे और भी था, दाल भी था, फिर मिक्स वेज जैसा कुछ था, अच्छा मैं नहीं लाया, रोटी भी था, चावल भी था, अच्छा अच्छा, आई हैव स्किप दोस एंड ब्रॉट दिस थिंग्स। आर यू रेडी? यस, इट वाज हिज बर्थडे टुडे, आई वाज सो डम, आई डिड विश हिम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, योर गुड नेम प्लीज? आशीष। यू आर फ्रॉम Nagpur. Okay. Yeah. So his couple is from Nagpur. His wife gave him the huge surprise. We had the announcement. But we didn't come. This couple is from. I'm from Mumbai. Yeah, we are into e-commerce. They're into e-commerce. They are from Mumbai. Yeah. And our new subscribers. Thank you so much. Thank you. Sir has his own brand. Oksa. Oh my God. Yeah, these are all my products. When nail polish dryer is necessary. Nail polish dryer you can get. He is on Amazon. Amazon this is brand Oksa. Please search in Amazon, you will get some good products over here. Okay. Bye. हम लोग जस्ट अभी बस में आके बैठे हैं, अभी डायरेक्टली जा रहे हैं होटल, तो हम लोग उतर गए बस से। हम लोगों का यहाँ पे 4 दिन हो गया है, दिस इज़ द 4th डे, लेकिन हम लोग अभी तक ये पुल में उतरे नहीं है,
टाइम ही नहीं मिला। हम बहुत ही ज़्यादा आलसी प्रकार का इंसान है, समझ रहे हो आप लोग, बहुत ही आलसी प्रकार। तो हम लोग को निकलना भी है, हम लोगों को सब कुछ करना भी है। रूम से जस्ट बाहर है, रूम से जस्ट नीचे आने से ही ये पूल है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक डुबकी भी नहीं लगाया इसमें। चलो कोई नहीं, होता रहता है, होता रहता है। तो कल हम लोग ये वाला होटल से निकल रहे हैं, कल के व्लॉग में हम आप लोग सब कुछ देखो। तो कल हम लोग ये वाला होटल से निकल के हम लोग जा रहे हैं कहीं और, वो आप लोग तो कल के व्लॉग में ही देखोगे। हाँ, मुझे पता है रेगुलर व्लॉग अभी आप लोग नहीं देख सक रहे हो, लेकिन बाद में जब आप लोग देखोगे ना, आई एम श्योर यू गोना फील द सेम व्हाट वी आर फीलिंग नाउ। सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस व्लॉग हियर। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कैसा लगा। इफ़ यू गाइस आर वॉचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल बटन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल ऑन योर नोटिफिकेशन पैनल। नाउ टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। हैप्पी।